प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ कहा जाता है सब माया है और आप कहती हैं यह सब भगवान की लीला है। माँ, जो कराने वाला है वही करने वाला है, जो कर्म है वह भी वही है। हर एक कर्म में सत दृष्टि होनी चाहिए, जब ऐसी सत दृष्टि होगी तब ब्रह्म साक्षात्कार होगा। ब्रह्म ही सत्य है, जहां माया है वहां ब्रह्म नहीं है। माया माने मैं आया, जहां आवागमन है वहीं मायावाद है। नेति नेति माने ब्रह्म के सिवाय कोई वस्तु है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। बस भगवान का ही ध्यान करो, जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं है, निराकार है। जिस पात्र में जल को रखोगे उसका आकार धारण करेगा, जब बर्फ बनेगा तो उसमें भी इस रूप में पानी ही पानी है। ठीक वैसे ही भगवान सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। सब कुछ एकमात्र भगवान की ही लीला हो रही है, सब रूपों में अरूप में एकमात्र भगवान ही खेल रहा है। वही आता है वही जाता है, दूसरा है ही नहीं। एकमात्र भगवान ही अपने साथ आप अकेला ही खेल रहा है, इसलिए सब भगवान की लीला कही जाती है। इस छोटी बच्ची को तो हिंदी भाषा भी ठीक से नहीं आती है, इसलिए स्त्रीलिंग पुरलिंग का भी भान नहीं रहता है। क्या करें, पिताजी ने कुछ पढ़ाया नहीं, लिखना पढ़ना भी नहीं सिखाया। प्रश्न करता, माँ तुम्हारे पिताजी तो शास्त्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या पाक शास्त्र पढ़ने से पेट भर जाएगा? माँ, जब तुम कलकत्ता जाना चाहते हो तो पहले रेलवे टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगा, गाड़ी में बैठना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब पहुंचोगे तब कलकत्ता क्या वस्तु है उसका पता लग जाएगा। शास्त्र भी भगवान की प्राप्ति का रास्ता बताता है, उस रास्ते पर तुमको चलना पड़ेगा, रास्ते का कष्ट उठाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी। पाक शास्त्र पढ़ने से पेट नहीं भरता है। तुम माँ के पास जाओ और कहो कि माँ खाना दो। प्रश्न करता, माँ जब बच्चा भूखा होता है तब माँ स्वयं जाकर बच्चे को खिलाती है, बच्चे को माँ के पास नहीं जाना पड़ता, माँ ही स्वयं आती है। माँ, जब बच्चे को भूख लगती है तब वह घर की तरफ देखता है और माँ माँ करके पुकारता है, रोता भी है। उसके मन में उस समय सिर्फ माँ का ही ध्यान रहता है। तुम सब लोग इस शरीर की तरफ ही क्यों दृष्टि डालते हो? क्या माँ केवल यहां ही है, वहां नहीं? जहां आत्मा है वहां माँ है, यह शास्त्र वाक्य है, गुरु वाक्य है। माँ ऐसा ही परस्ती है। एक और बात है, माँ स्वयं ही थाल भर देती है, भगवान ही स्वयं भगवत प्राप्ति के लिए आकांक्षा बढ़ा देते हैं। प्रश्न करता, माँ स्वप्न में देव देवियों के दर्शन, ज्योतिर्मय रूप के दर्शन हो सकते हैं कि नहीं? माँ, हाँ होते हैं, प्रकाश का दर्शन हो सकता है। जगत में महातेज महाज्योति भी होती है, ज्योति ज्योति में भी भिन्नता होती है। असली ब्रह्म तेज अलग वस्तु है, असली ज्योति में भगवान मिल जाता है, वह एक और स्वयं प्रकाश है। प्रश्न करता, माँ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, यह तीनों अवस्थाएं क्या एक साथ रहती हैं? माँ, तीनों अलग अलग हैं। स्वप्न में भी प्रत्यक्ष जैसे दर्शन होते हैं, अभी जो हम लोग जागृत अवस्था का अनुभव कर रहे हैं वह भी स्वप्न ही है। जो देख रहा सुन रहा यह सब अनित्य है, सब कल्पना है। सूक्ष्म दृष्टि से तीनों अवस्थाओं का समन्वय किया जा सकता है, अंतिम चरम अवस्था प्राप्त ना हो तब तक भिन्नता मालूम होती है, एक में ही सबका लय हो जाता है। प्रश्न करता, माँ ध्यानस्थ दशा में ज्योति दर्शन होता है, वह क्या है? यदि वह प्रकाश सच है तब तो वह प्रकाश चिरंतन रहना चाहिए। माँ,
यह प्रकाश स्थिर नहीं रहता है। स्थिर यदि रहे तो तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। फिर भी इस प्रकाश का दर्शन अच्छी वस्तु है। प्रश्नकर्ता, मां जो ज्योति बुझ रही है, कृपा कर उसको फिर से प्रज्वलित कीजिए। मां, उस महाज्योति को प्रज्वलित करने के लिए खूब जोर से साधन भजन चलाओ। हर एक व्यक्ति की साधना एक किस्म की नहीं होती है, भिन्न भिन्न है। ज्योति दर्शन ना हो तब भी साधन में लगे रहो। साधन करते रहो, अवश्य फल मिलेगा। प्रश्नकर्ता, मां, मृत्यु के बाद जीवात्मा को दूसरा देह तुरंत मिल जाता है या बीच में बिना शरीर के भी रहना पड़ता है? मां, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न व्यवस्था है। कोई जल्दी जन्म लेता है, कोई देरी से जन्म लेता है। अपने अपने कर्म के अनुसार गति होती है। कर्मानुयायी जन्म होता है। प्रश्नकर्ता, मां, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति में क्या भेद है? मां, परा प्रकृति मुक्ति के अनुकूल है और अपरा प्रकृति बंधन का कारण है, बंधन के अनुकूल है। प्रश्नकर्ता, मां, परा प्रकृति से क्या मुक्ति मिलती है? मां, प्रकृति से मुक्ति नहीं मिलती। प्रश्नकर्ता, मां, चंडी पाठ में लिखा है सा विद्या परमा मुक्तिर हेतु भूता सनातनी। मां, हां, परा विद्या प्राप्त करने से मुक्ति मिलती है। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।